भूल भुलैया 3 1 नवंबर को थिएटर्स में धप्पा बोलने वाली है और फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने फिल्म के चौथे पार्ट पर एक बार फिर से अपडेट दे दिया है और बता दिया है कि आखिर फिल्म के स्क्रिप्टिंग पर कितना काम हो चुका है। साथ ही साथ इस फिल्म में कार्तिक आर्यन होंगे या फिर नहीं ये भी साफ कर दिया है। जी हाँ, बॉलीवुड हंगामा से जुड़े करीबी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भूल भुलैया फ्रेंचाइजी लगातार फल फूल रहा है। जहां भूल भुलैया 2 देखकर लोग खूब हंसे थे और ठहाके लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसका तीसरा पार्ट और भी बेहतरीन बना है, जिसको देखने के बाद सुपर लेवल पर मजा आने वाला है। कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी की जोड़ी इस वक्त खूब धमाल मचा रही है, नो डाउट। ऐसे में बड़ी खबर ये है कि भूल भुलैया 4 भी पाइपलाइन में है। मेकर्स को पूरा यकीन है कि तीसरा पार्ट यानी भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मात दे देगा। पार्ट 4 के आइडिया पर काम चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही इसे बनाया जाएगा। भूल भुलैया 4 के लिए कार्तिक आर्यन पहले से ही तय हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अनीस बज्मी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि अगर स्क्रिप्ट बनाई जाती है तो उसमें अक्षय कुमार की भी एंट्री कराई जाएगी, यानी कि 4th पार्ट अक्षय के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भूल भुलैया 4 पर और क्या कुछ अपडेट आता है, साथ ही साथ भूल भुलैया पार्ट 3 रिलीज के बाद कैसा भौकाल काटती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। आप बताइए, आप फिल्म भूल भुलैया 3 को देखने के लिए किस लेवल पर एक्साइटेड हैं?